तो आज हम बनाने वाले हैं कोयले से बिजली। तो मैं कोयले ले आया हूँ और कोयले से आज हम बिजली बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें कोयले को जो है पीस लेना है, तो इस कोयले को हमने पीस लेना है। तो मैं कोयले को यहाँ निकाल लेता हूँ और उसके बाद हम लगाते हैं सेफ्टी के लिए चश्मा, और उसके बाद मैं बोतल की मदद से इसको पीस लेता हूँ। तो हमने कोयले को यहाँ पर पीस लिया, बारीक पीसा, थोड़ा थोड़ा मोटा। उसके बाद हम इसको बोतल के अंदर भर लेंगे। तो मैं फटाफट इसके अंदर भर लेता हूँ। तो बोतल के अंदर हमने कोयला भर दिया। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, बस थोड़ा सा डालना, ज़्यादा नहीं डालना है। और उसके बाद मैं इसका ढक्कन लगा देता हूँ और उसके बाद इसको हिलाना है। तो मैं यहाँ पर हिला देता हूँ इसको, ताकि वो कोयला और पानी मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको मिला देता हूँ, लगभग इसको 2 मिनट तक हिलाना है। तो उसके बाद मैं इसको हिला लेता हूँ। तो उसके बाद बस इतना हिलाना है। उसके बाद ये हो चुका है, इसका ढक्कन खोलता हूँ। उसके अंदर हमें 1 चम्मच नमक डाल देना है। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर नमक डाल देता हूँ। तो यहाँ पर इसके अंदर नमक जो है जा चुका है। उसके बाद फिर इसको हिलाना है। तो इसको 1 से 2 मिनट हिला लेना, ताकि नमक इसके अंदर जो है मिक्स हो जाए। तो इसके बाद जो है नमक इसके अंदर मिक्स हो चुका है। तो उसके बाद हमने गिलास ले लेना है डिस्पोजल, और वायर ले लेनी है। तो डिस्पोजल गिलास के अंदर वो हमें जो काला काला है, मतलब कोयला जो घुल चुका है, तो उसको गिलास के अंदर थोड़ा थोड़ा डाल देना है। तो जितने भी मैंने गिलास लिए, आप 6 भी ले सकते हो। तो मैंने 5 गिलास यूज किए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डाल देता हूँ सभी गिलास के अंदर। तो यहाँ पर भी यहाँ पर ये जा चुका है। तो यहाँ पर मैं इसको छान लेता हूँ पूरा। और इसके बाद हमें चाहिए एल्युमिनियम की पन्नी। तो मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लेता हूँ इस एल्युमिनियम की पन्नी के, तो ताकि हम जो ये वायर है इसके ऊपर लगा सकें। और उसके बाद जितने भी हमारे कोयले हैं, तो उनके ऊपर मैं लगा लेता हूँ वायर। तो वायर फिट कर लेता हूँ एक एक करके सभी कोयले के ऊपर। तो कोयले के ऊपर वायर फिट होने के बाद एल्युमिनियम की पन्नी इसके ऊपर लगा देनी। इस वायर के ऊपर जो खाली वायर रहेगी, उसके ऊपर मैंने एक एक करके सभी के ऊपर जो है वो एल्युमिनियम की पन्नी लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैं इसकी पन्नी लगा लेता हूँ सभी पर एक एक करके। तो यहाँ पर जो है एक जो है वो खाली रहने देना, एक वायर पर आप एल्युमिनियम की पन्नी मत लगाना। तो उसके बाद मैं यहाँ पर सभी पर लगा लेता हूँ, और एक के अंदर मैं कोयला, एक के अंदर एल्युमिनियम वाली पन्नी। और उसके बाद अगले गिलास में हमने कोयला और एल्युमिनियम वाली पन्नी अगले गिलास में डालनी है। फिर उसके बाद कोयला, एल्युमिनियम वाली पन्नी डालनी है। फिर उसके बाद हमने ऐसे ही कोयला और एल्युमिनियम वाली पन्नी, एंड इस साइड वाला हमने एल्युमिनियम वाली पन्नी डालनी है। और वहाँ पर खाली होगी तार इसके आगे, जो कि हमारे जो प्लस का काम करेगी। एंड सेकेंड यहाँ पर लगा देते हैं, तो यहाँ पर ये माइनस का है। तो एक तरफ जो हमें कोयला डालना है, एक तरफ हमें एल्युमिनियम वाली पन्नी डालनी है। तो ये वायर हमारी प्लस एंड माइनस बन चुकी है। और उसके बाद मैं ये LED बल्ब है छोटा वाला, तो ये जला के दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा है, तो सबसे पहले इसको जलाते हैं। तो लाइट बंद कर देता हूँ। तो लाइट बंद कर दिए। तो यहाँ पर मैं इसकी एक वायर लगाता हूँ, और यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि यहाँ पर ये थोड़ा सा जला है, यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा जल रहा है। थोड़ा बड़ा बल्ब था, इसके बाद छोटा बल्ब लिया मैंने। तो इसको मैं जलाता हूँ, और यहाँ पर देखो यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा जल रहा है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा है। तो एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो यहाँ पर छोटा वाला बल्ब बहुत ही अच्छे से जल रहा है, मतलब इसकी जो पावर है बहुत थोड़ी कम है, इसलिए जल तो रहा है, पर हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो कामयाब रहा है। तो यहाँ पर ये जल चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।